असेसमेंट थ्रू पोर्टफोलियो डियर स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे पोर्टफोलियो और असेसमेंट थ्रू पोर्टफोलियो पर बात करनी है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाट इज़ पोर्टफोलियो सो इट इज़ अ मैथड ऑफ एवेल्यूएटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग एंड प्रोग्रेस थ्रू सिस्टमेटिकली ये एक सिस्टमेटिक एवेल्यूशन होती है स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के ज़रिए ही सो so ये क्या होता है कि कलेक्शन एनालाइज क्यूरेटेड कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क नोन एज पोर्टफोलियो तो स्टूडेंट्स ने जो एक पूरे सेमेस्टर के दौरान जो जिस कोर्स को उन्होंने जो पढ़ा होता है उस सारे कोर्स का जो मटेरियल है उसका एक कलेक्शन होता है जिसकी मदद से हम उसकी परफॉर्मेंस को असेस करते हैं और इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स सच एज असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स एसेज रिफ्लेक्शन एट्सट्रा तो ये बेसिकली क्या है इसमें बहुत सी चीज़ों का ये मजमु होता है जिसमें असाइनमेंट्स होती हैं स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं एसेज होती हैं उनकी सेल्फ रिफ्लैक्शन होती है उनके पीयर असेसमेंट होती है उनकी सेल्फ असेसमेंट वगैरह होती है दैट डिमॉन्सट्रेट स्टूडेंट्स नॉलेज स्किल्स एंड अचीवमेंट्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तो स्टूडेंट्स की जो नॉलेज स्किल्स और अचीवमेंट्स uh, को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी वक्त गुजरने के साथ साथ जो उसने हासिल किए हैं उसका वो सारा रिकॉर्ड होता है डेफिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर एविडेंस दैट शो अ पर्सन स्किल्स तो ये एक बच्चे के या स्टूडेंट के एक स्किल्स को जाहिर करता है एकम्प्लिशमेंट उसके काम की तकमील का पता देता है उसके एक्सपीरियंसेस का पता देता है ग्रोथ इन अ पर्टिकुलर एरिया और अ फील्ड तो किसी ख़ास सब्जेक्ट और फील्ड में उसकी ग्रोथ को जाहिर करता है क्योंकि ग्रोथ ग्रेजुअल होती है इसलिए इसके बारे में पता चलता है और इट सर्व्स एज अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ़ एन इंडिविजुअल्स एबिलिटीज़ एंड टैलेंट और ये किसी भी शख्स की एबिलिटीज़ और उसके टैलेंट की एक कॉम्प्रीहसव तस्वीर होती है और अचीवमेंट्स विद देयर नॉलेज स्किल्स और ये अचीवमेंट है उसके स्किल्स की और नॉलेज की और कॉम्पिटेंसीज की तो ये एक सिस्टमेटिक मेथड है स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट को जज करने का ओवर द टाइम और ये एक रिकॉर्ड की मदद से अब पर्पज़ ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट पोर्टफोलियो असेसमेंट का पर्पज़ क्या है इंडिकेटिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ओवर टाइम ये विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टूडेंट की प्रोग्रेस और ग्रोथ को ज़ाहिर करता है यानी कब कब कैसे कैसे स्टूडेंट ने सीखा शो केसिंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड एबिलिटीज़ तो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट और एबिलिटीज़ को शो केस करना यानी उसको दिखाना और प्रोमोटिंग सेल्फ रिफ्लैक्शन एंड मेटाकोगनेटिव स्किल्स तो उसकी जो सेल्फ रिफ्लैक्शन और उसकी अंडरस्टैंडिंग की जो जैसे क्रिएटिविटी है या इस तरह की चीज़ें उसको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं इनका पता देना और इनक्रेज स्टूडेंट्स ओनरशिप ऑफ लर्निंग तो ये स्टूडेंट्स की ओनरशिप है यानी स्टूडेंट ने जो कुछ लर्न किया वो उसके का पता देता है कि ये एक्चुअली उसने खुद स्टूडेंट ने सीखा है अपनी एफर्ट से ये इसका पता देता है टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोस पोर्टफोलियोस की टाइप्स कौन सी हैं वर्किंग पोर्टफोलियोस ऑनगोइंग कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क इन मुसलसिल जारी रहने वाला डिस्प्ले पोर्टफोलियोज वो पोर्टफोलियोज जिनका हमने डिस्प्ले करना होता है स्टूडेंट की अचीवमेंट के बारे में उसकी स्किल्स और एबिलिटीज़ के बारे में असेसमेंट पोर्टफोलियोज ये स्पेसिफिकली कंपाइल्ड फॉर असेसमेंट पर्पस ये असेसमेंट पर्पस के लिए इसको कंपाइल किया जाता है तीन टाइप्स की जो मैंने अभी पोर्टफोलियो की आपको बताई पोर्टफोलियो कॉन्टेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं एग्ज़ाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हैं एसेस projects artwork videos etc including various types of evidence to bahut yani har tarah ki evidence isme shamil karna that align with the learning goals so learning goals hote hain unko unke sath align karna yani jo course outline mein aapke objectives hote hain unke sath align karke usme बताना और student बाकायदा उसको tagging करके बताएं कि ये इस objective को हमने ऐसे हासिल किया assessment criteria and rubrics normally जो पोर्टफोलियो में ये चूँकि क्वालिटेटिव होता है और इसको हमने क्वांटिटेटिव बनाना है सब्जेक्टिव होता है इसको ऑब्जेक्टिव बनाना होता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमने रूब्रिक्स बनाएं और क्राइटेरिया बनाएं तो क्लियर असेसमेंट क्राइटेरिया एंड एक्सपेक्टेशंस उन सब के बारे में हम क्लियरली बताएं और डेवलपिंग रूब्रिक्स टू गाइड असेसमेंट एंड स्कोरिंग तो रूब्रिक्स बनाएँ जो असेसमेंट को गाइड करें अब पोर्टफोलियो की ये सामने आपकी एक पिक्चर नज़र आ रही है सिलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स आपने कैसे उसमें आगे बताया ये स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है कि द आर्टिफैक्ट्स वर्क सैम्पल्स डू नॉट रिलेट टू द दर्पज़ ऑफ द पोर्टफोलियो अनसेटिस्फैक्ट्री और इसमें अब एग्जाम्पलरी का क्या है ऑल आर्टिफैक्ट्स वर्क सैम्पल्स आर क्लियरली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द परपज ऑफ द पोर्टफोलियो और जो उसके ऑब्जेक्टिज़ में उनके साथ रिलेट करता है तो यानी मिसाली चीज़ें हैं जो उसने कलेक्ट की हैं फिर वो आगे उसकी रेटिंग है तो इसको आप फिर मज़ीद स्कोरिंग बताकर उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं तो इस तरह उसके मुख्तफ जो पॉइंट्स हैं उनको बताया गया है कि किस तरह हमने इसकी स्कोरिंग करनी है और क्राइटेरिया को बनाना है प्रोसेस ऑफ़ पोर्टफोलियो असेसमेंट पोर्टफोलियो असेसमेंट का प्रोसेस क्या है के कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट वर्क तो स्टूडेंट्स का जो वर्क है उनको कलेक्ट करना ऑर्गेनाइज करना रिफ्लेक्टिंग ऑन लर्निंग एंड ग्रोथ तो उनकी लर्निंग और ग्रोथ पर रिफ्लेक्ट करना सेल्फ असेसमेंट एंड गोल सेटिंग तो स्टूडेंट्स सेल्फ असेसमेंट लेना यानी खुद वो अपनी असेसमेंट करें और अपने गोल सेट करें पीयर एंड टीचर फीडबैक जो आपके साथी होते हैं वो आपकी असेसमेंट करें और बताएं और फिर टीचर का फीडबैक आप लें तो इस तरह करके आपने इसको मतलब पोर्टफोलियो असेसमेंट को क्या प्रोसेस बनाना है अथेंटिसिटी एंड रियल वर्ल्ड कनेक्शंस पोर्टफोलियो में ऐसी कोई इमेजिनरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए बल्कि ये रियल थिंग्स होनी चाहिए तो रियल वर्ल्ड स्किल्स एंड एप्लीकेशन इसको चेक करें वो प्रोमोटिंग एथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसिस तो स्टूडेंट के जो लर्निंग एक्सपीरियंसिस हैं मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसिस हैं उनके बारे में बताएं अब पोर्टफोलियो के बेनिफिट्स हैं असेसमेंट के वो क्या हैं कि होलिस्टिक व्यू ऑफ़ स्टूडेंट लर्निंग ये स्टूडेंट की लर्निंग की एक मजमू तस्वीर होती है एनकरेज सेल्फ़ रिफ्लेक्शन ये स्टूडेंट्स की सेल्फ़ रिफ्लेक्शन को इनक्रेज करता है और स्पोर्ट्स स्टूडेंट इंगेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ लर्निंग तो स्टूडेंट्स को इंगेजमेंट जो उसके काम में मसरूफियत है उसको बताता है और प्लस उसकी लर्निंग की ओनरशिप को जाहिर करता है और शोस आ रेंज ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटीज एंड टेलेंट तो स्टूडेंट्स की एबिलिटीज और टेलेंट्स को जाहिर करता है चैलेंजेस एंड कंस तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो असेसमेंट में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं और कंसिड्रेशन्स भी होती हैं सो टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर पोर्टफोलियो डेवलपमेंट एंड असेसमेंट इसके लिए प्रॉपर टाइम होता है और रखना चाहिए और इसके मार्क्स बाकायदा होने चाहिए असेसमेंट में हम भी यूज़ करते हैं पोर्टफोलियो असेसमेंट को अपने टीचिंग में तो इंश्योरिंग फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी इन असमेंट तो असैसमेंट में कंसिस्टेंसी हो और फेयरनेस हो और बैलेंसिंग सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी तो सब्जेक्टिविटी यानी मौजूत और मारूजियत दोनों की इसमें स्कोरस में ये उसमें एड्रेस किया जाना चाहिए तो ये थी पोर्टफोलियो असमेंट की तमाम तफसीलात जो मैंने आपको उसकी टाइप और आगे उसका प्रोसेस और कैसे ये सब कुछ बताया आप